अमेरिका के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा, पहली बार इंसान में धड़का सुअर का दिल, विज्ञान का ये अनोखा प्रयोग। दोस्तों नमस्कार, आपके साथ में योगेश वत्स। दोस्तों विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार आपने जरूर सुने होंगे, इस बार भी विज्ञान ने एक ऐसा अनोखा प्रयोग किया है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने पहली बार सुअर के दिल को इंसान में ट्रांसप्लांट किया है। ये दुनिया का पहला ऐसा मामला है। सुअर का ये दिल 57 साल के डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया है। ये सर्जरी करीब 7 घंटे तक चली। दरअसल पिछले कई महीनों से डेविड बेनेट हार्ट प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। हार्ट लंग बाईपास मशीन के सहारे वो जिंदा थे। डेविड ने बताया कि मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प बचे थे, या तो मैं मर जाऊं या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाऊं। तो उन्होंने जीने को चुना। उन्होंने बताया कि ट्रांसप्लांट करवाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, लेकिन ये मेरा आखिरी विकल्प था। फिलहाल मैं ठीक होने के बाद बिस्तर से बाहर आने के लिए उत्सुक हूँ। फिलहाल मरीज को कड़ी निगरानी में रखा गया है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये अच्छे से काम करेगा या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों दुनिया में प्रत्यारोपण के लिए मानव के अंगों की भारी कमी है, इसी वजह से वैज्ञानिक पशुओं के अंगों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये सर्जरी सफल हो जाती है तो ये विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होगी और ये बड़ा चमत्कार माना जाएगा। इसके साथ ही सालों से जानवरों के अंगों को इंसानी शरीर में ट्रांसप्लांट करने की खोज में एक बड़ा कदम साबित होगा। ट्रांसप्लांट के बाद सुअर का दिल ठीक तरह से काम कर रहा है। फिलहाल मरीज को हार्ट लंग बाईपास मशीन पर रखा गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है और आने वाले कुछ हफ्ते मरीज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर सुअर का ही दिल इंसान में क्यों लगाया गया, किसी और जानवर को क्यों नहीं चुना गया? तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की रिपोर्ट में बताया गया है कि सुअर का दिल इंसान में ट्रांसप्लांट करने के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन सुअर के सेल्स में एक अल्फा गल शुगर सेल होता है। इस सेल को इंसान का शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, इस वजह से मरीज की मौत भी हो सकती है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए पहले ही सुअर को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस तरह के ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। 1984 में एक बच्चे के शरीर में बबूल, जो कि एक बंदर की प्रजाति होती है, उसका दिल ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन वो बच्चा सर्जरी के बाद सिर्फ 21 दिन तक ही जीवित रह पाया। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये सफल हो गई तो ये बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद की किरण होगी, क्योंकि दुनिया भर में न जाने कितने लोग ट्रांसप्लांटेशन का इंतजार कर रहे हैं और उनको अंग दान करने वाला कोई नहीं मिल रहा। वहीं यदि मैं यहां पर एक डेटा की बात करूं तो अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोगों को फिलहाल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इंतजार है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।